पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपके लिए कुछ आया है। लगता है कि आपके चिट्ठियों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब मेरे पति भी यहां हुआ करते थे, आपकी चिट्ठियां आती थी, लेकिन इस बार मिमी के नाम से नहीं है, मालिनी खन्ना के नाम से आया है। चिट्ठी मेरे नाम से यहाँ आई है? आई डोंट नो, आप उन्हें अपना नया एड्रेस क्यों नहीं दे देती? बहुत सालों से ये चिट्ठियां यहाँ आती है। राजन के भी बहुत सारे सीक्रेट्स हुआ करते थे, शायद आपको मेरे पति के सीक्रेट्स के बारे में मुझसे बेटर नॉलेज हो। उन्हें शौक था अपने आसपास खूबसूरत लड़कियों की फौज रखने की। ये मिमी और राजन के बीच में कुछ खास तो नहीं था ना? ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही शहर में रहते थे तो बस दोस्ती थी। फिर भी पोस्टमैन बन के फिरते थे। आपको हमारी ओसियान बेकरी की फज की लत लग गई है ना? आई होप किसी और चीज की लत नहीं लगी हो। मुझे लगता है ये गलती से आ गया होगा यहाँ। इट्स ओके, गलतियाँ तो होती रहती है, बस गलती को गुनाह में नहीं बदलना चाहिए। फिर थैंक यू सो मच आपके बल्क ऑर्डर सर आंखों पर। मे यू ऑलवेज ईट ओसियान बेकरी फज। ये पोस्ट में नहीं आया, इस पे कोई स्टैंप नहीं है। अब किसने दी आपको ये चिट्ठी? कौन आया था? मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो हजारों लोग आते हैं। आई डोंट नो, आपको नहीं पता ये चिट्ठी किसने भेजी? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? फिर से कोई पुराना राज तो नहीं खुल गया मिमी? आई एम श्योर कोई फालतू मार्केटिंग पैम्फलेट होगा, और कुछ नहीं। मैं चलती हूँ, आप ऑर्डर भेज दीजिएगा। ओके, ऑफ कोर्स। जब नारियल फोड़ ही दिया तो श्री गणेश कर देते। सबसे पहला बॉम्ब एयरपोर्ट कार्गो स्कैम। अब मैंने नोटिस किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं, ड्यूटी फ्री से अल्कोहल चुराई जा रही हैं और शहर में स्मगल कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, बहुत बड़ा स्कैम है। करेक्ट, और इन पे हम अंडरकवर स्टोरी भी करने वाले हैं, और इसी न्यूज के साथ हम अपना चैनल भी लॉन्च करेंगे। ये स्मगलिंग की स्टोरी से अक्सर बड़े बिजनेस वाले लोग जुड़े होते हैं, और ये लोग अपने लीगल धंधे के पीछे छुप के ये सब काम करते हैं। तुम शहर के किसी बड़े आदमी को एक्सपोज करोगे तो चलिए काम करते हैं, लंगोट छोड़ देते, धोती खींच लेते। आप डरिए मत अंकल, हार्ड न्यूज से दुश्मन जरूर बनते हैं पर उससे हमें क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी। और आप देखिएगा, कल को यही एक्सपोज बिजनेसमैन हमारे ही न्यूज चैनल पे अपने लीगल बिजनेसेस की एडवर्टीजमेंट्स करेंगे। जिम्मेदार मीडिया के ना होने से सिर्फ देश को ही नुकसान है। सच के आगे कुछ नहीं, और अब मेरी जिंदगी में जय आ गया, मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब आप अब तक जो कर रहे थे वो बिना हिम्मत के कर रहे थे? इतनी तश्नेबाजी, ये सब कुछ बगैर हिम्मत के? छोटी सोच, हिम्मत थी, पर अब दोस्त का कंधा मिल गया। और एक और बात, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे बचे। जय, मैंने इसको एक सीक्रेट कहानी दी है कवर करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं तो उसको बता नहीं सकता। कोई बात नहीं मेरे भाई, तू एडिटर है, तू कह रहा है तो आराधना की स्टोरी में जरूर दम होगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, कांट वेट टू हियर इट। सो गाइस, लेट्स रॉक। आराधना, मैं तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी सच बताने की। अपने पति से कहिए आज रात की खबर टीवी पे नहीं आनी चाहिए, वरना
हे भगवान, कौन है ये और इसे सच्चाई कैसे पता? और इस कैफे में चिट्ठी छोड़ने का इन्हें कैसे पता? ये जानते हैं कि मेरी हर चिट्ठी यहाँ आया करती थी? क्या क्या जानते हैं ये? कौन है ये और मुझे क्यों ब्लैकमेल? कहीं वीरेन और बच्चों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे वीरेन को रोकना होगा, पर कैसे, क्या कह के? क्या कहूंगी मैं वीरेन से? क्यों मैं चाहती हूं कि ये खबर ना छपे? कैसे एक्सप्लेन कर सकूंगी कि असलियत क्या है? मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। म्यूजिक उसके ऊपर। आप 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। मिस सहगल, आप मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे करने वाली क्या? बताइए। हाँ, मार डालने आएंगे तुम्हें। What the hell was that? क्या बोल रहे थे विनय अंकल के सामने? तो 12 घंटे 14 घंटे क्या है ये सब? बहुत स्मार्ट समझते खुद को। क्यों? डर गए मेरी स्मार्टनेस से? मैं तो सिर्फ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। जो मन में है बोल दो। और वैसे 9 बजे कौन सी स्टोरी करने वाले हो तुम? तुमसे मतलब? तुम जैसा सटको इंसान ना कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ क्या करने वाले। 9 बजे सब कुछ हमने न्यूज देख लेना। Excuse me. Come in. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Sure, sure. Please come in. Hey, I'll call you back. See, I got you this milk cake. I know तुम्हारा favorite है। याद है? बचपन में तुम मुझसे छीन के खाया करते थे और मैं बहुत रोती थी। Right. बहुत अच्छे से याद है। In fact, ये भी याद है कि तुम और तुम्हारी बहनों ने मुझे एक बार साइकिल से गिरा दिया था। मैंने तो तुम बहनों का नाम भी किमीनीज रख दिया था। It's a weird name. I mean, आप किसी से इतने सालों के बाद मिलते हो पर फिर भी बचपन के सारे पल आपको याद रहते हैं। It's like to have a very strong connection. अच्छा चलो, have some sweet. I'm sorry, but मैंने शुगर खाना छोड़ दिया। Thank you. What? तुम कब से इतने good boy बन गए? Drink नहीं करते, शुगर छोड़ दी। I mean, कोई मन्नत मांगी है क्या? अगर मांगूंगा तो पूरी होगी क्या? एक बाइट लेके तो देखो, पूरी हो जाएगी। खा लेता हूँ। श्रेयांश, मार डालोगी क्या? हाँ, सारी दुनिया का ना भला हो जाएगा अगर मैंने तुम्हारा गला घोट दिया तो। उफ, ये तुम्हारे किलर इंस्टिंक्ट्स। ऐशा, तो पागल हो रहा हूँ। बता दो कि 9 बजे मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? मैं सबको सच बताने वाला हूँ। कैसा सच? मेरा सच? ऑफ कोर्स बसानी, सारी दुनिया आपके सच पे टिकी हुई है। प्राइम मिनिस्टर का लेटर आया था कि सबसे बड़ा सीक्रेट है मिस आराधना सानी का असली नाम क्या है, उनकी मॉम कौन है। रंश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? नहीं तो मैं। नहीं तो तुम। It's nice now. And you know, हम खन्ना सिस्टर्स तुम्हें बचपन में क्या बुलाते थे? क्या? हाँ, लंदन का छोरा गोरा गोरा। या। और मेरी बड़ी दी तुम्हें तो बुलाती थी दैट हैंडसम वन। वैसे तुम्हारी दीदी की और मेरे दोस्त की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी मॉम ने मुझे दे दी। राइट, प्लीज गो अहेड, करो ना। सी, आई एम श्योर किमी दी और विक्रम विल बी वेरी हैप्पी टुगेदर। यू नो, कुछ रिश्ते तो ऊपर वाला बना के ही भेजता है, और फिर अगर उसमें पेरेंट्स का स्टैंप लग जाए तो क्या कहते हैं उसे, सोने पे सुहागा। राइट। वैसे प्यार करता है क्या वो उससे? किमी दी का तो आई एम नॉट श्योर, बट विक्रम जरूर प्यार करता है। तो भी ठीक है, मैं अंकल से बात करता हूँ, एंड देन वी कैन प्ले क्यूपिड टुगेदर। ओके, बाय द वे कहते हैं अगर किसी की शादी कराओ तो खुद के भी जल्दी हो जाते हैं। ऐसा है क्या? फिर तो जल्दी करवानी पड़ेगी। मैं सराधना, अब तुम देखोगे कि खन्ना सिस्टर्स के रास्ते में आने का क्या मतलब होता है। क्यों करो ये सब? प्लीज मुझसे और मेरे सच से दूर रहो। एंड आई रियली डोंट केयर तुम मुझे कितना टाइम देते हो, ये
15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उन्हें जब बताना होगा, मुझे जैसे बताना होगा, मैं अपने हिसाब से उन्हें बता दूंगी। रेयांश प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम जाओ ना, जाके अपना काम करो ना प्लीज। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।